हेलो, हाय, नमस्कार, सलाम। मैं आकिब रजा न्यूज प्लस से, और आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद जुबैर और नुपुर शर्मा पर FIR में एक ही धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन कार्रवाई अलग क्यों। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर के देर रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर धारा 153A और 295A के तहत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी किया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक ट्विटर हैंडल से मिली जानकारी के बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद जुबैर पे एक ट्वीट पर लिखा था कि एक खास धर्म के अपमान के इरादे से उन्होंने जो है तस्वीर पोस्ट की थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब आपसे ये सवाल है कि किस तरीके से जो है एक ट्विटर अनजान ट्विटर हैंडल मोहम्मद जुबैर, इतने बड़े जर्नलिस्ट, फैक्ट चेकर, जो कि एक खासा पॉलिटिकल पार्टी जो एक सत्ते में है उसके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करते हैं, तो आप ये पूरा माजरा समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। एक ट्विटर हैंडल के द्वारा जो है, फेक ट्विटर हैंडल के द्वारा उन पर ट्वीट कराया जाता है और 4 साल पहले के मामले को उठाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी पे आगे गौरतलब है कि जून में इसी से मिलती जुलती एक FIR बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के भी खिलाफ हुई थी, जब उन्होंने प्रोफेसर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस FIR में भी IPC की धाराओं 153A और 295 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब आपसे सवाल है कि अभी तक जो है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महीना जो है ख़त्म हो गया है और अभी तक नुपुर शर्मा भक्तों की सबसे बड़ी अम्मा खुली घूम रही हैं। कोलकाता पुलिस और मुंबई पुलिस ने भी FIR दर्ज की है। बार बार तलब करने के बाद भी नुपुर शर्मा भक्तों की सबसे बड़ी अम्मा अभी तक गुफे से अंदर घुसी हुई हैं, अभी तक गुफे के बाहर नहीं आई। अब सवाल है कि नुपुर शर्मा आखिर हैं कहाँ। एक कहावत आपने सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत नुपुर शर्मा पे फिट बैठता है। अब आप पूछेंगे कि ये कहावत क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो ये पूरा मामला जो है मोहम्मद जुबैर के गिरफ्तारी के बाद से पहले नुपुर शर्मा ने उन पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी फ़ोटो और वीडियोस को सार्वजनिक किया है फैक्ट चेक के नाम पे। अब आप सोच सकते हैं नुपुर शर्मा है, उन्होंने कैसे जो है विवादित टिप्पणी और इस्लाम के बारे में लगातार जहर उगलती हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल करती हैं, जिसके बाद से नुपुर शर्मा पर ना कोई एक्शन लिया गया है और ना ही अभी तक उनकी गिरफ्तारी की गई है। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या नुपुर शर्मा की भक्तों की सबसे बड़ी अम्मा की क्या गिरफ्तारी होगी। ये केंद्र सरकार की पुलिस और केंद्र सरकार से बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं। गोदी मीडिया में नंबर वन चापलूस और दलालों की रानी अंजना ओम कश्यप ने अपनी सड़ी हुई मानसिकता और दोगली प्रवृत्ति की मिसाल पेश करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उसने अपनी दलाली का सबूत लिखा है। वो लिखती है कि वो फैक्ट चेक के नाम पर सोशल मीडिया पर सिलेक्टिव पत्थरबाजी करता रहा, जिनके फायदे होता रहा, आज वही निकले हैं मोहल्ले में। जिसके बाद से ट्विटर पर अंजना मोदी की जमकर फजीहत हो रही है, लोग उन्हें लताड़ रहे हैं और उस ट्वीट को वायरल कर रहे हैं। इसी पर संदीप सिंह ने लिखा है कि आज मैडम ने कपिल मिश्रा और यति नरसिंहानंद को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे ये ट्वीट स्वयं नुपुर शर्मा द्वारा लिखा गया है। ये ट्वीट वायरल हो गया और अंजना मोदी की मानसिकता पर लोगों ने सवाल उठाया है कि नुपुर शर्मा पर क्यों नहीं ट्वीट। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आकिब रजा न्यूज़ प्लस से। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट कर ले, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबा दे, सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।